काशीफाई, जिस पर मैंने बहुत सारी वीडियोस पोस्ट की हैं अबाउट लाइफस्टाइल इन स्वीडन और स्वीडन में कैसे सेटल हुआ जा सकता है। लेकिन ये चैनल मैंने स्पेसिफिकली उनके लिए शुरू किया है जो लोग क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्टेड हैं और आसान लफ्ज़ों में जानना चाहते हैं प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन कि क्रिप्टो के अंदर कैसे इन्वेस्ट किया जाए, कौन से क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट किया जाए, बिटकॉइन के अलावा इथेरियम क्या है, आल्ट कॉइन क्या है जिसे अल्टरनेट कॉइन्स भी बोलते हैं, कौन से वो एक्सचेंजेस हैं जिनको यूज़ किया जाए, कौन से वो टूल्स हैं। तो इस चैनल का मकसद ये है कि आपको आसान आसान लफ्ज़ों में सिखाया जाए क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इस वक्त बहुत बूम पे है और इट इज़ गोइंग टू बी अ फ्यूचर, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को अब वे कुछ तकरीबन 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं और जिन्होंने आज से कुछ 10 साल पहले इथेरियम में या बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था आज वो मिलियनर हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इथेरियम और बिटकॉइन ही सिर्फ वो चीज़ें हैं, उसके अलावा और बहुत सारे कॉइन्स हैं जो अभी इथेरियम या बिटकॉइन की तरह अर्ली स्टेजेस पे हैं, जिन पे आज आप इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसके अलावा डे ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इस चैनल के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा, अभी मैंने पोस्ट करनी शुरू की हैं बड़े आसान लफ्ज़ों में आपको समझाने के लिए। आज जो मैं वीडियो आपके पास लेके आया हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, इसको कोई भी जो इंटरेस्टेड है क्रिप्टो करेंसी के अंदर उसको इस वेबसाइट का पता होना चाहिए, उसको इस वेबसाइट को यूज़ करना आना चाहिए। और इस वेबसाइट का नाम है कॉइन मार्केट कैप। ये जी वेबसाइट सबसे बड़ी वेबसाइट है, सबसे ज़्यादा इसके ऊपर ट्रैफिक आती है डेली बेसिस पे टू चेक द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट कॉइन्स। यहाँ पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जिसमें आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को डिवेलप कर सकते हैं, लेकिन ये वेबसाइट एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ये भी देती है कि कितने कॉइन्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको सारे कॉइन लिस्टेड नज़र आएंगे, ठीक है, और उनकी प्राइसेस क्या चल रही हैं, ठीक है। इसको मैं बड़ा क्विकली रन थ्रू कर देता हूँ, उसके बाद आप इस वेबसाइट के ऊपर जाके खुद से खेलते रहें। आप अपना अकाउंट यहाँ पे बना सकते हैं, अपना अकाउंट बनाने के बाद आप अपना एक पोर्टफोलियो बिल्डअप कर सकते हैं उन कॉइन्स के लिए जिनमें आप इंटरेस्टेड हैं। और इस चैनल पर मैं आपको बताता रहूँगा आगे आने वाले टाइम में कि आप कौन से वो कॉइन्स हैं जो आज बड़े छोटे छोटे हैं लेकिन उनका बहुत बड़ा फ्यूचर है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कार्डानो CADA, ये थर्ड जनरेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी है। सबसे पहले आपके पास आया है बिटकॉइन और उसके बाद इथेरियम आया है, और इथेरियम के बाद अगर कोई बड़ी चीज़ आ रही है तो वो कार्डानो है। और इसकी एक अलहदा सिर्फ मैं वीडियो अपने चैनल पर पोस्ट कर दूंगा जो कि ऑलमोस्ट प्रिपेयर है, उसमें वजह ये बताई कि आप ये समझें कि कार्डानो ऐसे है जैसे इथेरियम आज से 7 साल पहले था। कोई बंदा कहता यार ये इतना सस्ता कैसे ये कहाँ इतना ऊपर जाएगा, और आज आप उसकी प्राइस देखें कहाँ पर गई भी। अच्छा, हम इस वेबसाइट पे चलते हैं जी, इसमें डेली प्राइसेस दिखा रहा होता है, डेली आपको बता रहा होता है कि जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी टोटल मार्केट कैप कितना हो चुका है। मार्केट कैप क्या चीज़ है जी, मार्केट कैप है, चलिए मैं बताता हूँ आपको आगे, उसके बाद बता रहा है कि जी कितने परसेंट मार्केट ऊपर गई है, ठीक है जी। नॉर्मली ये 24 आवर्स की यहाँ पे आपको फिगर्स दे रहा होता है। फिर यहाँ पर आपकी वॉच लिस्ट आप देख सकते हैं कि जी मेरी जो इंपॉर्टेंट वॉच लिस्ट है वो दिखा दो मुझे, मैं इन कॉइन्स को फॉलो कर रहा हूँ जैसे कि, तो मुझे ये वाली वॉच लिस्ट दिखा रहा है। उसके अलावा मुझे बता रहा है कि जी आपने क्रिप्टो करेंसीज देखनी है, डेरिवेटिव्स देखने हैं, डिफाई देखना है, ये सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन आप ये देखेंगे सारे का सारा जो है क्रिप्टो के ऊपर बेस्ड है। डीफाई जो है ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, ये एक बहुत बड़ी इस सेपरेट टॉपिक, लेकिन मैं ये बताऊँ कि इससे रिलेटेड जितने भी कॉइन्स हैं उनका बड़ा अच्छा फ्यूचर है। और डीफाई जो है इथेरियम के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा है, विच मीन्स कि इथेरियम का बहुत बड़ा फ्यूचर है। एनीवेज जी, इथेरियम के ऊपर मैंने एक लादा से वीडियो पोस्ट की है, ये वाली जाके ज़रूर देखें, आपको बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है क्योंकि बिटकॉइन ऑलरेडी यहाँ पे पहुँच चुका हुआ है, इथेरियम अभी यहाँ पर है, इथेरियम ने भी इधर जाना है। तो आज अगर आप इथेरियम में इन्वेस्ट करते हैं इट कैन बी रियली गुड इन्वेस्टमेंट फॉर यू। अच्छा जी, और मैं अगर आपको बताऊँ तो ये देखिए मैंने इथेरियम के अंदर बहुत ज़्यादा स्विंग ट्रेडिंग की है पिछले दिनों में। ये इथेरियम के जो उनसे हैं ये देखें, ये अप एंड डाउन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मैंने इसके ऊपर स्विंग ट्रेडिंग की है, जैसे डे ट्रेडिंग भी आप बोल रहे हैं, या आप ट्रेंड के साथ ऊपर जब नीचे जाता है और ऊपर जाता है उसके साथ साथ चलते हैं। एनीवेज जी, हम इस वेबसाइट के ऊपर जाते हैं दोबारा से वापस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाम क्या है उसका, ठीक है, उसकी करंट प्राइस क्या है, पिछले 24 घंटों में कितनी चेंज आई है। फॉर एग्जाम्पल इथेरियम जोन से 5% ऊपर गया, बिटकॉइन जोन से 3% ऊपर गया, USDT क्या है, USDT डिजिटल डॉलर कह लें जो इक्वलेंट टू डॉलर होता है, ये मैं आपको जब बाइनेंस की वेबसाइट दिखाऊंगा उसके ऊपर मैं बड़ी डिटेल में बात करूंगा इसके ऊपर। उसके ऊपर उसके बाद पोलका डॉट
बहुत अच्छा क्वाइन है ये बहुत अच्छा क्वाइन है ये। इसकी प्रिडिक्शन ये है कि इस साल के अंदर 2021 के अंदर अंदर ये प्रोबेबली $100 को टच करे। और इस वक्त आप इसकी प्राइस देखें, $20 है। पिछले 24 घंटों में ये 10% इसकी प्राइस बढ़ी है और पिछले एक वीक में इसकी 16% प्राइस बढ़ी है। तो दिस इज़ ए वेरी गुड क्वाइन एक्चुअली। अच्छा जी, उसके बाद XRP है जिसके ऊपर केस चल रहा है आजकल, और उसके बाद कार्डानो, ये इसकी भी मैं आपको वीडियो लादा से बता, इन सारे ऑल्ट कॉइन्स की छोटी छोटी वीडियोस मैं आपको बनाकर बताऊंगा कि आप क्यों इन्वेस्ट करें इनमें, अगर मैं समझूंगा इस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसमें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ये मार्केट कैप, यहाँ पे जाके आप पढ़ भी सकते हैं। मार्केट कैप बेसिकली होता ही है कि इस कॉइन की जितने भी टोटल कॉइन मार्केट में अवेलेबल है उनकी जो वैल्यू है टोटल वो कितनी बन चुकी हुई है। तो ये देखें ना, ये जैसे सबसे बड़ा मार्केट कैप जो है वो बिटकॉइन का, और उसके बाद दूसरे नंबर पर इथेरियम आ रहा है। उसके बाद ये वॉल्यूम वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम क्यों इंपॉर्टेंट है कि जी मार्केट कैप तो बहुत बड़ा, लेट्स से जी बहुत बड़ा मार्केट, लेकिन उसको कोई बाय सेल ही नहीं कर रहा, तो फिर इसका मतलब है कि उसमें आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। वॉल्यूम वॉल्यूम उसका हायर होना चाहिए। हाई वॉल्यूम हाई मार्केट कैप, लो मार्केट कैप हाई वॉल्यूम सबसे अच्छा कॉइन होता है। लेकिन मैं आपको, अगर आपने लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करनी है तो उसकी कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। मैं क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ तो ये मेरे लिए वॉल्यूम बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कहते हैं जी सर्कुलेटिंग कैपेसिटी सप्लाई के उस के कितने जो उनसे हैं कॉइन्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त बिटकॉइन के तकरीबन कोई 18 मिलियन 8 मिलियन 18 मिलियन कॉइन्स सर्कुलेट कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है जी। उसके बाद और इन्होंने कहाँ तक जाना है वो, अच्छा अब मैं आता हूँ उसके आगे। और उसके बाद ये आपको यहाँ पर छोटा सा ग्राफ दिखा रहा है, इसमें फिर आप जब अगर खोल लें किसी भी कॉइन को खोल लें, इथेरियम को आप खोल लेते हैं तो वो इथेरियम का आपको बताता है जी जब से स्टार्ट हुआ, इनके पास 16 से डाटा है। मैंने ऑल को यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ, आप एक दिन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं तो आपको दिखाएगा कहाँ पर जा रही है प्राइस। उसके बाद वीक को सिलेक्ट कर सकते हैं आप, मंथ को, 3 महीने को, आप ट्रेंड देख सकते हैं 3 महीने में क्या। ये देखें ना आप, जिसने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था दिसंबर में, ठीक है, तो उस वक्त इसकी प्राइस थी $691, ठीक है। अभी आप देखें इसकी प्राइस कहाँ पे गई हुई है, ये बाइजन इसकी प्राइस टच कर रही है $1,600 को ऑलमोस्ट। तो आप ये देखें कि इसमें आपको बताता है कि जी इसमें आप जाके नीचे पढ़ सकते हैं थोड़ा सा कि एथीरियम क्या चीज़ है, क्या बला है। इसमें सारी इंफॉर्मेशन एक वेबसाइट के ऊपर आपको मिलेगी। तो ये जो सी वेबसाइट है बहुत इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, इसको ज़रूर स्टडी करें अगर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर इंटरेस्टेड हैं। तो उसके अलावा जी आप अगर बाय एंड सेल करना चाहते हैं, कौन कौन सी एक्सचेंज इसके साथ काम कर रही है, फॉर एग्जांपल उस पे मैं आता हूँ। फिर आप आ जाते हैं जी, इधर आपको ये बता रहा होता है, ये सारी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जी इसकी प्राइस अभी क्या चल रही है, प्राइस चेंज क्या आई है मार्केट के अंदर, ये 24 घंटे के अंदर बता रहा है, ठीक है, कि $85 चेंज आई है इसके अंदर। उसके बाद 24 आवर्स में लोएस्ट कितनी रही है, हाईएस्ट कितनी रही है, तो इससे आपको रेंज पता लगती है। उसके बाद फिर इसके वॉल्यूम कितना है, कितना वॉल्यूम पिछले 24 घंटे में ट्रेड हुआ है, ठीक है जी, कि कितने मिलियन डॉलर या कितने पैसों में है इसका जो टोटल ट्रेडिंग हुई है। उसके बाद ये टोटल मार्केट डोमिनेंस कितनी है, लाइक टोटल अगर क्रिप्टो की इतनी मार्केट है तो उसमें से 16.49% क्रिप्टो है, सॉरी इथेरियम है, और ये दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कॉइन है। और उसके बाद फिर मार्केट कैप उसका बता रहा है और आगे उसकी बाकी इन्फॉर्मेशन। तो ये एक ना बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसको आप अंडर एस्टिमेट ना करें। इसके ऊपर अगर आपने क्रिप्टो के अंदर अपना करियर बनाना है और आपने ट्रेडिंग करनी है और पैसे बनाने हैं इसमें, जो कि मैं अपने चैनल पर बड़े आसान लफ्ज़ों में आपको सिखाने जाऊंगा, कोई टेक्निकलिटीज़ में नहीं पढ़ना क्योंकि मैं खुद इतना टेक्निकल बंदा नहीं, मैं सिर्फ ये आपको प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाऊंगा। मैंने अपने ताशिफ भाई यूट्यूब चैनल पे भी स्वीडन के बारे में प्रैक्टिकल बातें की हैं आपके साथ, बड़ी ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैं लेके आया हूँ, तो उस चैनल को भी जाकर देखें, आपको मज़ा आएगा देखने में। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी, आप ने ये देख लिया, अब इसके इसमें अब आप ये तो हम वापस जाते हैं कॉइन्स के अंदर। लेट्स से अब आपने खोला जी पोलका डॉट, खोलते हैं जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉइन है, मुझे बड़ा पसंद आ रहा है। आई विल पुट
मोर मनी इन दैट ऑल्सो, क्योंकि इसका इस साल के अंदर दिखा रहे हैं कि फ्यूचर बड़ा अच्छा है। अच्छा कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ ना, आपने जो भी काम करना है खुद से समझ के करना है, पढ़ के करना है, आपने किसी को अपने पैसे नहीं देने, ये सारे काम आप खुद कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से बैठ के कर सकते हैं, कोई आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आजकल हर चीज़ नेट पर अवेलेबल है। कोई आपको कहे ना कि जी मुझे 10 लाख रुपये दे दो मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर देता हूँ तुम्हारे लिए, छोड़ें आप खुद कर सकते हैं सारा कुछ। अच्छा, और किसी को अपने पैसे ना दें इस तरह उठा के को, और लोग ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये लोग इस इन्फॉर्मेशन को भी बेचते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी हम, ये तो है जी आपका मेन क्रिप्टो करेंसीज, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप क्रिप्टो करेंसीज बाय रैंकिंग देख सकते हैं, ग्लोबल चार्ट, स्पॉटलाइट, ये सारे डिफरेंट फिल्टर्स हैं। उसके बाद आप एक्सचेंज जाके देख सकते हैं कि किन किन एक्सचेंज में काम हो रहा है। सबसे बड़ी एक्सचेंज जो होती है ना वो बाइनांस है। बाइनांस मैं उनको रिकमेंड करूँगा जो थोड़ा सा प्रो लेवल पर आ जाते हैं, जो थोड़ा सा अपने आप को डिवेलप करना चाहते हैं। दूसरी ये वो भी ग्लोबल। उसके बाद तीसरी जोन सी है कॉइन बेस प्रो है। कॉइन बेस क्या है जी, कॉइन बेस बेसिकली ये कॉइन बेस प्रो और ये कॉइन बेस दोनों एक, कॉइन बेस ना सबसे आसान सबसे इजी आपकी जो सी वो है ना, मैं वो दिखा देता हूँ, कॉइन बेस के ऊपर मैंने वीडियो की हुई है, जाके वो देखें। सबसे आसान आसान अगर आपने देखनी है ना इन्फॉर्मेशन आसान एक्सचेंज तो ये कॉइन बेस है। इस ये भी बड़ी मज़े की वेबसाइट है, आप इस पे जाके बाय सेल कर सकते हैं, लेकिन इसमें छोटे छोटे आल्टकॉइन अवेलेबल नहीं है अभी। तो जो बाइनांस है वो सबसे बड़ी आपकी जो उनसी है ना वो आ जाती है एक्सचेंज है। मैं बाइनांस यूज़ करता हूँ अभी, उसका मैं आप लादा से ट्यूटोरियल डालूंगा उर्दू में, और बड़े ही इजी अल्फाजों में मैं बड़े ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। अच्छा, उसके बाद आपका आगे पोर्टफोलियो आ जाता है, इसके अंदर आप अपना ट्रैकर लगा सकते हैं, आप इसकी ऐप डाउनलोड कर लेंगे, एंड्रॉयड पर भी है और उसके ऊपर भी है, आपकी iOS के ऊपर भी है, ठीक है जी। उसके बाद वॉच लिस्ट आ जाती है, आप लाइक हज़ारों के तादाद से आपके कॉइन्स अवेलेबल हैं। हमें तो सिर्फ बिटकॉइन बिटकॉइन हर कोई बिटकॉइन कर रहा है और इथेरियम कर रहा है, लेकिन उसके अलावा और बहुत सारे कॉइन्स अवेलेबल हैं जिनको कहा जा रहा है कि ये हीरे हैं क्रिप्टो करेंसी के, और ये बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे आगे। फॉर एग्जांपल ये वी चेन जो है, आप इसकी प्राइस देखें कितना सस्ता है अभी, कितना सस्ता है, इसका मार्केट कैप देखें कितना कितना बड़ा है, और आप ये देखें कि इसका वॉल्यूम कितना बड़ा है, कितनी ट्रेडिंग हो रही है। तो आज माइट भी आप इसके अंदर इन्वेस्ट करें और अगले 5 साल में ये शायद इथेरियम बना हो या नहीं भी बनता चले इथेरियम, लेकिन चले $100-200 पे जाता, आप इसकी प्राइस तो देखें ना अभी कुछ सेंट्स में है, छोटे छोटे सेंट्स में। तो ये वो चीज़ें हैं जो आज इन्वेस्ट करने वाली हैं, क्योंकि आपको अगर लगता है कि यार ओहो इथेरियम तो बहुत महंगा हो गया और बिटकॉइन तो बहुत महंगा हो गया, तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है क्रिप्टो करेंसीज़ में। और यही मेरा मकसद था इस वाले चैनल को शुरू करने का, कि आप लोगों को तरीके दिखाऊं कि और कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। एनीवेज जी, उसके बाद आप इनकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, मोबाइल ऐप है, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लर्निंग बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप लर्निंग कर सकते हैं, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं, आपको एक और चीज़ दिखानी थी कि आपने अगर किसी भी कॉइन के अंदर जाना है तो उसमें जाके आप उसके आप ये पढ़ना चाहते हैं कि यार उसकी मार्केट कैसे चल रही है, आप देखेंगे जी मार्केट में उसके कौन कौन से पेयर्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं कि जी इथेरियम USD की क्या प्राइस चल रही है, USDT ऑलमोस्ट करीब करीब ही है। USDT बेसिकली क्या है कि जो USDT एक डिजिटल डॉलर है जो ऑलवेज जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल होती है नॉर्मल डॉलर के। तो जो डिजिटल एक्सचेंजेस हैं वो नॉर्मल डॉलर में आपसे पैसे लेके फिर नॉर्मल डॉलर से कन्वर्जन नहीं करती क्रिप्टो करेंसी में, वो बेसिकली आपका जो नॉर्मल डॉलर है या यूरो है या पाक रुपीज़ है या जो इंडियन रुपीज़ हैं उनको कन्वर्ट करते हैं डिजिटल डॉलर में, जो कि स्टेबल कॉइन जिसे बोलते हैं, तो उसको बेसिकली बोलते हैं USDT। तो आप आगे मेरी वीडियोज़ में देखेंगे मैं बहुत सारी बात करूँगा इथेरियम टू USDT, बिटकॉइन टू USDT क्या प्राइस चल रही है। उसमें बेसिकली आसानी ये रहती है कि आपको ना डॉलर क्योंकि आसान है हम लोगों के लिए समझना, तो उसमें आपको अच्छा यार ये जो इथेरियम की प्राइस है इस वक्त $1627 चल रही है, तो आपको जेब में रहता है अच्छा यार इतने पैसे। अगर आपको ये मैं बताऊं कि यार नहीं इथेरियम की जो प्राइस है ना इस वक्त 0.04346 बिटकॉइन चल रही है, आप कहेंगे यार ये इसका मैथमेटिक्स कैसे करें आप।
यहाँ पर जाके आप इसका हिस्टोरिकल डाटा पढ़ सकते हैं, यहाँ पर जाके आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं किसी भी कॉइन से रिलेटेड, यहाँ पर जाके आप सोशल क्या कहाँ कहाँ पे उसके ऊपर बात हो रही है वो पढ़ सकते हैं, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग हो है इसको पढ़ना। तो इसकी रेटिंग पढ़ सकते हैं आप, डिफरेंट एनालिसिस देख सकते हैं। तो देखिए आप जैसे इथेरियम दिखा रहा है इस वक्त फुल बुलिश में है, ठीक है जी। इस वक्त नेटवर्क द नेट ग्रोथ और उसके बाद इन द मनी कितना पैर ऊपर गया है, कंसंट्रेशन कितनी है, लार्ज ट्रांजेक्शंस कितनी है। अभी अभी इथेरियम को हम ग्राफ को देखते हैं, यूएसडी ओवरबॉट हुआ है कि नहीं, इथेरियम यूएसडी, इथेरियम यूएसडी अभी भी आरआईसी उसकी नहीं गई इतनी ऊपर, तो अभी भी स्टे किया जा सकता है। लेकिन मैं इसका वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा इसके ड्रॉप होने का, ताकि मैं री एंटर हूँ इसके अंदर। ले यार ये मैं एक बड़ी क्विक सी वीडियो थी आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना था, मैंने इस वेबसाइट से। मैं आपको बताऊं ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, इन वीडियोस को छोटा बनाने में जल्दी जल्दी बनाने का फ़ायदा कोई नहीं है, कि अगर आप लोगों को असल चीज़ ना आए सीखनी। तो ये वीडियो होपफुली आपको फ़ायदा देगी, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मेरे ताशिफाइज वाले जाके चैनल को भी देखें, मैंने सेपरेट चैनल बनाया ही इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आसान आसान लफ्ज़ों में आप लोगों को ना इतना एजुकेट कर दिया जाए, इतना आपको सिखा दिया जाए कि पूरी दुनिया इस वक्त जिधर जा रही है आप लोग भी उसको फॉलो करें, और किसी को अपने पैसे ना दें भाई, खुद से अपने रिसर्च करें। आप अपने कंप्यूटर से मोबाइल से बैठ के इन्वेस्ट कर सकते हैं और ख़ुद से बिटकॉइन खरीद सकते हैं, थीरियम खरीद सकते हैं, पोलका डॉट खरीद सकते हैं, XRP खरीद सकते हैं, जो चाहे आप खरीद सकते हैं। ले यार अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें और मेरे लिए दुआ कर दें। अल्लाह हाफिज़।